Hello students, in this session we will continue with exercise 13.1 question number 3. A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of radius same. Okay, what we have given is, we have given a cone जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है और इस तरह से हमने एक टॉय बनाया हुआ है, ठीक है। पूरे टॉय का हाइट है 15.5 और इस टॉय का रेडियस है 3.5, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। अब ये टॉय जो है वो दो फिगर को जोड़ के बना हुआ है, एक है हेमिस्फीयर एक है कॉन। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस और कॉन के कर्व्ड सरफेस का एडिशन करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस के लिए वी कैन यूज 2πr² दैट विल बी फाइन, बट फॉर द कॉन वी नीड टू यूज πrl। तो इसके लिए l की जरूरत पड़ेगी और l के लिए पहले h की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को पहले, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था, मीन्स इससे पहले वाले सम में किया था, कॉन का हाइट निकालना पड़ेगा। सपोज इसको हम h ले लेते हैं, ठीक है। सो what we need to find first is height of the cone for toy, total height is 15.5, radius is 3.5. ab hame chahiye height of cone and that will be like small h is equal to capital H minus radius. Capital H is given as 15.5 और रेडियस हो जाएगा 3.5, सो माइनस 3.5 और ये हो गया 12, सो द हाइट इज 12 फॉर द कॉन एंड रेडियस इज 3.5। अब हमें ज़रूरत है किसकी, एल की। तो एल कैसे मिलेगा, एल मिलेगा इस फॉर्मूला का यूज़ करके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमने फाइंड कर लिया है 12, आर 3.5 is already given, so that is a square of 3.5. Now, 12 ka square karoge, we will have 144. 3.5 ka square karoge, that will be 12.25. Got it? Now, 144 plus 12, that is 156 and 0.25 as it is. Ab 15625 ka square root hota hai 125. यानी कि 156.25 का होगा 12.5, सो द एल इज 12.5। नाउ व्हाट वी नीड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, दैट विल बी लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सॉरी प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। हेमिस्फीयर के लिए वी कैन यूज 2πr² एंड कॉन के लिए वी कैन यूज πrl। इसमें से πr कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 2r + l। नाउ पाई विल बी लाइक 22/7, रेडियस इज 3.5, इनसाइड द ब्रैकेट 2 × 3.5 एंड l हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 12.5। Now solving this, we will have 7 and 3.5, that will be 0.5. Now 22 × 0.5 karenge, you will get 11. Inside the bracket, 3.5 × 2, that is 7 + 12.5. That will be 11 × 12 + 7, 19.5. Ab 195 ko 11 se multiply karna hai, as simple as that. 195 × 11. 1 × 5, 1 × 9, 1 × 1, fit 0. 1 × 5, 1 × 9, and 1 × 1. Adding them, we have 5, 4, 1, 2. 214.5. That will be your final answer. Clear?